और बजट पेश होने वाला है, तमाम समस्याएं हैं, तमाम उम्मीदें हैं लोगों को सरकार से। हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल यहां पर मौजूद है, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ राकेश जाखेटिया अर्थशास्त्री हैं और प्रोफेसर नंदिनी दत्ता हमारे साथ बनी हुई हैं जो अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। तो सबसे पहले मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगी। राकेश जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है, दूसरा कार्यकाल है, पहली महिला वित्त मंत्री जो है बजट पेश करने वाली हैं, जनता को पहले से ज्यादा उम्मीदें होंगी, तो क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस बार के बजट में? पहले तो मैं जनतंत्र टीवी के मैनेजमेंट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी जान मुझे यहाँ आमंत्रित किया मेरी राय जानने के लिए जी। दूसरा, मैं जो हमारे दर्शक हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी मुझसे जानना चाहा कि हमें बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी बड़े चमत्कारिक व्यक्ति हैं, वो हमेशा ही कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, तो उन्होंने कुछ नया तो कर ही दिया है कि भारत की प्रथम महिला को वित्त मंत्री बनाया है और उस वित्त मंत्री बनाने से हमारे देश की जो 50% आबादी जो रिप्रेजेंट करती है महिलाओं की, तो सीतारमण जी उस समस्या को तो शायद बहुत अच्छी तरह समझती हैं और शायद आज बजट में अंदर कुछ महिलाओं के लिए चमत्कारी कोई ना कोई वो डिक्लेरेशन करेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर नंदिनी दत्ता भी हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर नंदिनी जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मोदी सरकार के लिए कि पहली बार जो महिला वित्त मंत्री हैं उन्होंने बनाई हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आधी आबादी जो है वो क्या उम्मीदें इस बार करी सरकार से? महिला वित्त मंत्री होने के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पहली चीज़ है कि सालों साल एक जेंडर बजटिंग की बात होती है कि महिलाओं की अपेक्षा और महिलाओं के आशा को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है, पर मैं नहीं समझती महिलाओं के लिए ऐसे कुछ अलग करा जा सके जो कि आर्थिक सभी लोगों के लिए ना किया जाए। महिलाओं के खुशहाली एक आर्थिक खुशहाली के साथ लिंक्ड है। रादर मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम सोचे कि महिलाएं तब खुश हो जाएगी कि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चीज़ें आसान हो जाता है, कीमत कम हो जाती है, तो ये अपेक्षाएं तो सबकी है। लेकिन आज की जो बजट है वो शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या लेके आती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि महिलाओं की एक्सेस टू एजुकेशन सबसे बड़ी उम्मीद है कि हमें एक सस्ता टिकाऊ क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एजुकेशन के तहत ही अपने आप को खुशहाल और कंट्रीब्यूटिंग देखना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बख्शी साहब, पिछली बार निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्रालय उनको दिया गया था, इस बार उनको वित्त मंत्रालय दिया गया है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ भी वो देख चुकी हैं, रक्षा मंत्रालय उनका भार उन पर सौंपा गया था, तो उन चीज़ों से भी वो वाकिफ है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि डिफेंस बजट की अगर बात कर ली जाए तो हमेशा हर बार हैवी क्यों रहता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि सबसे महंगी चीज़ जो भारत में है, जिस पर भारत सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, वो है डिफेंस। ताज्जुब की बात तो ये है कि हमारे पास और भी कंट्रीज अगल बगल में हैं, जैसे कि चाइना, उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम हमारे को आ रही है और चाइना ने हमसे बात खेल स्टार्ट किया था। सिंपल सी चीज़ है ये डिफेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ खरीदारी करते हैं, इस बिजनेस में हम कुछ बेचते नहीं हैं। जब खरीदारी ही आप करोगे तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करोगे, इसीलिए सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी बेशक बन जाए, उसको बीमारी तो पता है, इलाज नहीं पता। जब इलाज पता होना चाहिए उसको क्या है, और इलाज है लॉन्ग टर्म, ये नहीं है कि मैं अब एक साल में मोदी साहब आए तो अब कर देंगे। हमारे को बेसिक इंडस्ट्री डिफेंस की नहीं है, जो है वो ऐसे वैसे काम करती है, छोटे मोटे, जैसे गन बे डोर बना दिया अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए, एयरलाइनर के लिए दरवाजा बना दिया, इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाती।
जिस चीज से लड़ाई लड़ी जाती है, बेसिक राइफल ही नहीं बनाते हम। अभी मोदी साहब ने 3 महीने पहले उसका उद्घाटन किया, राइफल फैक्ट्री का, इंसास चली गई बाहर, क्योंकि हमने कभी बनाई नहीं ठीक। तो ना एयरक्राफ्ट, ना शिप, ना टैंक, ना टैंक अब बनाने शुरू हुए हैं। ये जो जागरूकता आई है अब हाल में आई है, और इसको सेटल होने में 15 साल लगेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो इसलिए हमें डिफेंस की हर बार, जैसे आप कह रही हैं, अब कह रहे पिछली बार 99.947 करोड़ आउटले था, अब थोड़ा बढ़ा दिया है, कम कर दिया है, इसी बात पर बात चलती रहेगी। आपको जो मेन चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, जब लड़ाई शुरू होती है, जिसने आपको सामान बेचा है वो अपना सामान महंगा कर देते हैं, आप वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। जो कारगिल में रोए थे, 62 की वॉर में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉफी परकुलेटर्स बना रही थी, गन्स नहीं बना रही थी, तो आप क्या कर, किस बात की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो हमारी नींद तभी खुलेगी जब हम स्वावलंबी बनेंगे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे इलाज भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने इलाज की बात करी है कि इलाज नहीं पता है, लेकिन क्या क्या कुछ इलाज होना चाहिए, तो वो हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे और इलाज जानेंगे। बिल्कुल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सुबह की चाय का आनंद ही कुछ और होता है। शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई बटरफ्लाई आयुर्वेदा सुप्रभात चाय कफ दोष को संतुलन में लाए, इम्यूनिटी मजबूत करे और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। आप भी पीजिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार हमारा पैनल बना हुआ है, प्रफुल्ल बख्शी साहब है रक्षा विशेषज्ञ, राकेश जाखेटिया हैं जो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर नंदिनी दत्ता हैं वो भी अर्थशास्त्री हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बजट पेश होने वाला है 11 बजे। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो बजट पेश कर देंगी। हमारे साथ बख्शी साहब हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, इलाज जानने की कोशिश कर रहे थे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इलाज की यहाँ पर बात की है, तो किस तरीके का इलाज की आप बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या इलाज है जो पता नहीं। देखिए इस गेम में अगर हम आते हैं तो हमको ये सीखना चाहिए मॉडल कंट्री से, जितनी भी हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप ले लीजिए, चाहे जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, और अब अमेरिका, और अब आप चाइना को लीजिए, वही चाइना। छोटा उदाहरण देता हूँ जिसको हम रोते हैं, MiG-21 चाइना ने लिया 63 में, हमने लिया, चाइना ने अपना MiG-21 बना के औरों को बेचना शुरू कर दिया, और हम उसको फ्लाइंग कॉफिन बोल रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। और यहाँ तक कि ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक MiG-21 पुराने से F-16 गिरा दिया, जैसे कि MiG-21 कोई बैलगाड़ी है, वो बहुत घातक जहाज है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं, पाकिस्तान F-7M बना रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि हम उसके आगे और मॉडल बन रहे हैं, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में हमने कोई स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले हमारी को प्रॉब्लम ये होगी। इस बात पे चिंतन होना पड़ेगा सारी मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स बैठ के, खासकर फाइनेंस, कि ये हमारे को डिफेंस इंडस्ट्री को तगड़ा करना है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कैसे लाया जाए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं अभी तक आए, ये क्वेश्चन, एक व्हाइट पेपर इसका बनना चाहिए। कौन सी फोर्सेस थी इसके पीछे जो प्राइवेट इंडस्ट्री को आने देना चाहती थी, बहाना बना दिया हम गौतम बुद्ध के देश है, महात्मा गांधी के देश है, अहिंसा परमो धर्म है, और ऐसी ऐसी बातें करके बेसिकली वो चाहते हैं कि बेचने वाले हमारे दरवाजे पे आए, और बेचने वाले फिर हमारे को अपनी चीज पूरी करने के लिए वो घुस दें, हमारी पार्टियों में पैसा जाए, हमारे जेब में जाए। तभी तो सबसे ज्यादा स्कैंडल है तो डिफेंस मिनिस्ट्री में है, 1947 का जीप स्कैंडल केस। तो सर क्या लगता है आपको, ये जो स्कैंडल्स होते हैं क्या होते हैं, प्लान्ड होते हैं? ये बिल्कुल प्लान होते हैं।
मुझे पता है कि डिफेंस सब बड़े अक्लमंद बहुत है, सारे बड़ी एमए अपने अपने सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स रह के आए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग बड़ा हरकत कर रहा है। वो जानते हैं कि भारत को गन्स की प्रॉब्लम है, गन बनने ही नहीं दे रहे, कहते आप बाहर से मंगवाइए। जब बाहर से आते हैं गन्स, जो 6-7 बेचने वाले आते हैं उनमें से जो आपको पैसा देता है आप करते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को तैयार नहीं होने दे रहे। अगर आर्म फोर्सेस रोती है, LCA इतने 30 साल क्यों लग गए LCA को, वो इसलिए लगे क्योंकि ये बनाना नहीं चाहते थे। एक HF-24 हम बनाते थे, उसको मैंने फ्लाई किया 8 साल, पर ये मैं बता दूं आपको कि HF-24 इतना बढ़िया जहाज होता था, हमने बनाना क्यों बंद कर दिया HAL ने, क्योंकि ये बाहर की चीज नहीं है। बाहर की चीज में हमारे को फायदा होता है, पैसे आते हैं और हमारे को घुस मिलती है, हमारे को स्कैंडल होता है, तो उन्होंने कहा कि जहाज को ही बंद कर दिया। बिल्कुल, ये हम करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारे को ये मोदी साहब ने अब इसको ओवरकम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये अब असली चीज अब स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए इनसे हमने जाना कि क्या कुछ इलाज होना चाहिए और सरकार अच्छे कदम उठा रही है डिफेंस जो है उसकी तरफ, जितना भी डिफेंस बजट है उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रही है, तमाम जो खामियां हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। आपके पास आना चाहूंगी राकेश जी, क्या लग रहा है, क्या किसानों के कष्ट जो है वो दूर होंगे इस बजट से, अन्नदाता जो है वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? किसानों के कष्ट तो मेरे ख्याल से दूर होने वाले नहीं है। जो किसानों को कष्ट हैं वो हमारे राजनेताओं को बनने तक ही उनके जानकारी में रहते हैं। जैसे ही वो राजनेता बन जाते हैं वो सरकार में आने के बाद किसानों के सारे कष्ट भूल जाते हैं, फिर वो वहाँ की जो एयर कंडीशन वातावरण में आकर बैठते हैं तो वो फिर वहाँ की लॉबिंग में फिट हो जाते हैं। तो किसानों की समस्याएं तो मुझे लगता नहीं कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि उनकी समस्याओं को सुना और समझा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बजट के ऊपर किसानों के ऊपर, हाँ ये हो सकता है थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस के रूप में कुछ बजट में दे दें वो। बिल्कुल, तो जैसे मोदी सरकार जो थी पिछले, अब आई है दूसरा कार्यकाल है, इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था, तमाम ऐसी चीजें कही थी कि हमारी दोबारा सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो क्या लग रहा है बजट में कुछ ऐसी योजनाएं कुछ स्कीम्स निकल कर आएंगी जिससे किसानों की आय दुगनी करने का जो लक्ष्य की तरफ सरकार बढ़ रही है वो हो पाएगा? जो आय को दुगना करने के लिए मोदी सरकार एक मिशन उन्होंने फेंका है और जो एक पूरे वातावरण में एक फ्रेग्रेंस चल रही है कि हम किसानों की आय डबल कर देंगे, उसके ऊपर उनकी क्या इच्छा शक्ति है ये तो उन्होंने कभी नहीं बताया। पर उन्होंने ये जरूर बताया कि हम जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेंगे। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उनकी उनका जो माल ज़्यादा रेट पर बिकेगा तो वो जो डिफरेंस है उससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। जैसे खाद है, जैसे बीज है, जैसे पानी है, जैसे बिजली को सस्ते रेट पर दे दें वो, अगर वो इतना ही कर देंगे तो इनकी इनकम में नो डाउट कि इजाफा होगा। बिल्कुल, नंदिनी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको कि जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना थी, तमाम तरीके की योजना महिलाओं के लिए लाई गई थी, इस बार क्या लग रहा है आपको कि कुछ ऐसा अपने पिटारे में से महिलाओं के लिए सरकार निकाल पाएगी? मुझे ये तो कम उम्मीद लगती है क्योंकि पिछली बार जब अंतरिम बजट आया था तो कुछ खास महिलाओं के लिए नहीं आया था। मुझे इस बार भी नहीं लगता है कुछ खास महिलाओं के लिए अलग से कुछ आएगा, एक्सेप्ट कोई छोटी मोटी राहत हो सकता है टैक्स स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ राहत दिया जाए, पर मुझे नहीं उम्मीद है कि बहुत कुछ महिलाओं के लिए अलग से सोचा जाएगा। अगर लोगों के जनरल एक खुशहाली एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के तौर पे जाना चाहिए तो उसको माना जा सकता है, पर मैं पिछली आपके जो एक सवाल थी किसानों के प्रति, मैं ये समझती हूँ किसानों की जो आज हालत है उसके लिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने से नहीं होगा, आपके उनकी सही कीमत, उनकी जो प्रोडक्शन है उसकी सही कीमत मार्केट में लाना है, और इसके कारण जो इनके इकोनॉमिक एडवाइज़र रतिन रॉय ने पहले बताया था कि कंजम्पशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंजम्पशन अफोर्डेबिलिटी इतनी बड़ा प्रॉब्लम है कि डिमांड प्रक्रिया में उसमें बहुत, और इसके कारण ये एक विशेष साइकिल है, आपका अगर बेरोजगारी होगी
आपकी आय कम हो जाएगी, आपकी आय कम हो जाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं रहेगा तो मार्केट प्राइसेस कम हो जाएंगे, और मार्केट प्राइसेस नहीं रहेगा तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो बातें कर रहे हो उसको कैसे लेके आओगे। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट तो तब तक नहीं सोच सकते हो जब तक कंजम्पशन का कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ आपने बेरोजगारी का जिक्र आप किया है नंदिनी जी, तो क्या लग रहा है इस बार के आंकड़े पर अगर नजर डालें, और विपक्ष का हमेशा से टारगेट भी यही रहा है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं सबसे निचले स्तर पर अभी तक के 45 साल में रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार रोजगार को लेकर कुछ अलग निकल कर आ सकता है? रोजगार को लेकर तो उनको कहना तो कुछ पड़ेगा ही, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि डिनायल इज नॉट द सोल्यूशन। कंटिन्यूसली ये जो होती जा रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा नहीं आ रहा है, और कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो ये कहता है कि हम डेटा को यूज़ करेंगे एज अ पब्लिक गुड, डेटा ईज ऑफ लाइफ। अगर डेटा वो सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको डिनायल नहीं करनी है, उसको हेड ऑन चैलेंज के तरह लेना है और उसका कोई समाधान ढूंढना है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो उनको कहना ही पड़ेगा इस बजट में। तो इस बार यानी कि सरकार के ऊपर बड़ी चुनौती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। सर आपके पास प्रफुल्ल सर मैं आना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे जाना चाहूंगी, क्योंकि सेना में भी बहुत भर्तियां हैं, जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन क्यों उस तरफ सरकार की जो नजर है वो नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार जनतंत्र टीवी पर महाकवरेज बजट पर आप देख रहे हैं, मेरे साथ हमारे गेस्ट यहां पर मौजूद हैं और लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 11 बजे पेश करेंगी वित्त मंत्री अपना बजट। लोगों को तमाम उम्मीदें भी हैं और लोगों की समस्याएं भी हैं जिनका हल उनके बैग में जो है वो कैद है। सर आपके पास आना चाहूंगी, बख्शी साहब हम रोजगार की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो सेना की अगर बात की जाए तो काफी पद जो है वो खाली हैं, वहां पर भी रोजगार हो सकता है, लेकिन क्यों सरकार की उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? देखिए ये क्वेश्चन आपका बेशक थोड़ा हटके है, पर मैं आपको बता दूं बहुत उचित क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमारे सेना में इतने 20 से 25,000 पद खाली एक टाइम था, हमारे कॉकपिट वैकेंसीज मतलब फाइटर जहाज खड़ा है पायलट नहीं है, क्यों ऐसा क्यों है? देखिए ये जो है ये मिलिट्री सोशियोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तब आपको इस बात से पता चलेगा कि जो मिलिट्री पहले थी, आज जब हम छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे, उस टाइम मिलिट्री की जो स्टेटस था सोसाइटी में वो डिफरेंट होता था। एवरीबॉडी इज स्टेटस कॉन्शियस, ये मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड में आता है। स्टेटस जहां नहीं होगा वहां पे आदमी जाना नहीं कोशिश करेगा। और अब क्या हुआ, स्टेटस सिर्फ वर्दी में रह गया, 26 जनवरी पे रह गया है। बाकी अगर हर एक लड़ाई के बाद फौजी की पेंशन 1/3 हो गई 1971 के बाद में, उनके अलाउंसेस कम हो गए 65 के बाद कम हुई, 71 के बाद कम हुई, तो लोगों ने कहना शुरू किया, पर क्योंकि फौज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तभी इन्होंने क्या किया है, हमारी देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इधर है और फौजी हेडक्वार्टर अलग अलग है, इसलिए क्योंकि फौजी अफसर अपनी आवाज ना पहुंचा सके वहां पे, उन्हें दखल ना कर सके, इसलिए की गई है। ये ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ी चाल है। तो इसीलिए आपकी सारी की सारी जो फौजी जो वैकेंसीज है इतनी कम है, क्योंकि अब लुक्रेटिव नहीं रह गया। वही बाप कहता अपने बेटे को, यार तू जाके IAS का कर, तू 5 साल में ये बन जाएगा, तू लकड़ा डंडे खाता रहेगा सियाचिन में, तू किस लिए जा रहा है? बिल्कुल ठीक कहता है वो, बिल्कुल ठीक कहता है बाप, तो क्यों बच जाएगा लड़का? इसीलिए लोग निकल रहे हैं। आजकल कोई फौज में जाना चाहता है पता क्या कहते हैं, क्यों घर में खाने को नहीं है? ये बात होती है। सो आप ये बात को लेकर आप जो है नॉर्मल जो फौजी है, सबको किसी का फौजी का बेटा नहीं जाना चाहता, सब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सबको वो लाइफ पसंद है। और यहाँ पे तो ORP के लिए अब फौजी अपने विधवाओं के साथ में बैठ के धरना कर रहे हैं, उनको डंडे पड़ रहे हैं। तो आप बताइए ये सीन देखकर कौन कहेगा कि हम फौज में जाएंगे? फौज सिर्फ पोएट्री कविता के लिए बड़ी अच्छी लगती है, लोग रानी की झांसी राणा प्रताप की बात करके और बड़े खुश हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है ये सोशल प्रॉब्लम है,
इसको सोसाइटियल एंगल से देखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को अभी ऐसी छवि बनानी पड़ेगी, मिनिस्ट्री को, पब्लिक रिलेशन मिनिस्ट्री को इस तरीके से वर्कअप करना पड़ेगा कि फौज की छवि ऊपर हो। तो उनको सबसे बड़ी चीज है उनकी अलाउंसेस, पेंशन, उसमें तो सुधार करें, ओआरओपी में सुधार करें, अपने आप चीज ठीक होने को आ जाएगी। यहाँ तक कि कंट्रोल, यहाँ तक लोग कहते हैं ये घरों में रहते हैं, अरे उनको नहीं पता जो बंगले में रहते हैं, एक फौजी 21 साल की सर्विस में सिर्फ 8 साल अपनी फैमिली के साथ रहता है, 11 12 साल बाहर रहता है। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले को कह दो कि तू बीवी के साथ नहीं रहेगा 12 साल, फिर देखो हालत बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है और इस तरफ ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि लगातार रोजगार की मुद्दा जो है वो हमेशा उठाती रही है जनता, जनार्दन भी, विपक्ष भी उठाता रहा है और ये जरूरी भी है उठाना, क्योंकि सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से सर ने बात की कि सेना है वहां पर नहीं भेजना चाहते हैं, क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, इस पर काम सरकार को करना चाहिए। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। एक और जो समस्या है वो ये है, जैसे कामकाजी महिलाएं जो होती हैं वो जाती हैं, दोनों तरफ उनको देखना होता है, ऑफिस भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, ऐसे में डोमेस्टिक हेल्प की उनको जरूरत होती है, तो क्या लगता है आपको वहां पर डोमेस्टिक जो खर्च होता है उनका, जो उनको डोमेस्टिक हेल्प की जरूरत होती है उसमें उनको छूट देनी चाहिए टैक्स में? शिखा जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ उठाया है, हम ये चर्चा तो बहुत करते हैं पर अगर हमारी आवाज़ भारत सरकार तक, ये बजट बनाने वालों के तक पहुँचे, और हम भाग्यशाली हैं कि इस बार जो है कि वित्त मंत्री महिला हैं, तो वित्त मंत्री महिलाओं की समस्याओं को और ध्यान से सुन सकती हैं। आपने अभी कामकाजी महिलाओं के ऊपर बताया, मेरा उसमें एक सुझाव है कि कामकाजी महिलाएं, आप उनके ऊपर दो डबल जिम्मेदारी होती है, घर को भी अच्छे ढंग से चलाना है, हमारे बच्चों को भी तैयार करना है देश हित के लिए, और अपना प्रोफेशन स्किल को भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो मेरा एक सुझाव है कि जो महिलाएं अपनी टैक्स पेड इनकम में से अगर डोमेस्टिक सर्वेंट के ऊपर कोई खर्च करती हैं सैलरी के रूप में, हमारे पास घर में हमें दो दो तीन तीन डोमेस्टिक सर्वेंट रखने पड़ते हैं, अगर वो एक्सपेंसेस अगर हम करंट ईयर इनकम में से माइनस कर देंगे तो एक तो उनका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा वो अपना सारा ध्यान अपने प्रोफेशन के प्रति लगाएंगी। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, जो मोदी सरकार को भी होगा और हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहते रहे कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, तो एक एक महिलाएं तीन तीन महिलाओं को घर में रोजगार देंगी, इससे एक तो उनकी हमारी प्रोफेशनल स्किल बढ़ेगी और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बख्शी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जब महिलाएं, बेसिकली जो क्या होता है सोसाइटी का जो सबसे बड़ी नींव होती है वो माँ की होती है, सोसाइटी में महिला की होती है, जब महिला की नींव तगड़ी हो जाएगी आप देखेंगे सोसाइटी अपने आप ही, एजुकेशन, बच्चे की ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। ये जो मैन माइंडसेट की बात करते हैं वो सारे ठीक होने लग जाएंगे जब महिलाएँ खुश होंगी। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर और बहुत बड़ा जिस तरीके से सुझाव हमारे राकेश जी ने यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से होना चाहिए और जरूरत भी है, क्योंकि जो रोजगार की बात जो हमेशा सरकार करती रही है। बिल्कुल कहें। अच्छा, मैं राकेश जी के सुझाव बड़ी प्रसन्न मन से लेती हूँ, लेकिन ये उनको भी बताना चाहती हूँ जो पूरा विश्व में अब केयर इकोनॉमी के नाम पे एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, क्योंकि महिलाएं घर से निकल के बाहर अपना काम कर रही है, तो उसका ध्यान तो रखना चाहिए। पर साथ साथ ये आप सोचिए, आप जो कह रहे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट्स के ऊपर जो खर्च किया जाता है उसको आप इनकम से उसमें छूट चाहते हैं, लेकिन डोमेस्टिक सर्वेंट्स को हम अपने देश में मिनिमम वेजेस देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल, ये सवाल भी हमको करना चाहिए कि हम कहते हैं उनके आय का क्या जरिया है और उनका आय लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने लायक है कि नहीं लायक है, ये भी सोचना जरूरी है, और उनके वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ है कि नहीं है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे मेहमान सब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज पेश होने वाले बजट में भारतीय रेलवे के रोड मैप का भी जिक्र होगा। आखिर 2019-2020 में भारतीय रेलवे किस दिशा में आगे बढ़ेगी,
कमाई बढ़ेगी या घटेगी, रेल मुसाफिरों को सुविधाएं मिलेंगी या फिर निजी निवेश बढ़ेगा, ऐसे तमाम अहम सवालों के जवाब आज यूनियन बजट से मिलेगा। लेकिन इस बजट से रेलवे यात्रियों की क्या उम्मीदें हैं, अपनी यात्रा के दौरान यात्री क्या कुछ सुविधाएं चाहते हैं, जानते हैं उन्हीं से। बेसिकली हर एक आम आदमी चाहता है कि किराए जो हो वो आम आदमी के बजट में होने चाहिए। अभी सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है रेलवे, दे नीड टू कंट्रोल द फेयर्स ऑल्सो इन दिस बजट। एक आम आदमी के लिए यही एक्सपेक्टेशन हमारा पहला है, और बाकी क्लीनलीनेस है, फूड मिल जाए अच्छा, वो भी नहीं है आजकल काफ़ी स्टेशनों में, वो भी नहीं है, सिलेक्टेड स्टेशनों में वो मिलता है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी समस्या जो है बुजुर्ग लोगों के लिए दूसरी ये है कि बुजुर्ग लोगों के लिए आधी बोगी या 10-20 सीटें जो होनी चाहिए वो नहीं है, आधा डब्बा अलग से होना चाहिए बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग बहुत परेशानी उठाते हैं, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक वो कैसे खड़े खड़े जाते होंगे, बहुत भारी समस्या है बुजुर्ग लोगों के लिए। उस बोगी का हर गाड़ी में आधा कम से कम डब्बा बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ रेल मंत्री से, लालू यादव की रेल मंत्री थे तब हर गाड़ी में विकलांग बोगी थी, तब तक आप आए हो कौन सी रेलगाड़ी में हैंडीकैप डब्बे सारे खत्म कर दिए, क्यों कर दिए गए ऐसा, गरीबों ने कौन सी विकलांगों कौन सी आपको वोट नहीं दिए, क्या नहीं दिए, इनका कुछ तो करो, नई गाड़ी चलाई है इनमें डब्बा हैंडीकैप लगना बहुत ज़रूरी है, उसमें बैठते हैं तो टीटी और पुलिस वाले नहीं बैठने देते, जनरल नहीं बैठने देते, जनता नहीं बैठने कहते हैंडीकैप में जाओ, हैंडीकैप डब्बा है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। और बजट में मुंबई के रेल यात्रियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। एक्चुअली मैं रोज, अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट है तो मैं रोज ट्रैवल कर रही हूँ। फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने इतने सारे ट्रेन्स, मतलब अभी न्यू भी काफ़ी आए तो अच्छी बात है, न्यू ट्रेन्स आए है अच्छी बात है, मगर इस टाइम पे पब्लिक इतनी है कि अगर दो दो मिनट की भी अगर वो ट्रेन आती है ना तो भी वो पब्लिक को कम पड़ती है, तो उससे बेटर वे मेरे ख्याल से कि अगर पब्लिक को अगर इतना ही है तो जो दो दो मिनट की ट्रेन आ रही है तो मे भी मेरे ख्याल से थोड़ा जो टाइम का लिमिट है वो कम करके वो थोड़ा जल्दी ट्रेन आएगी तो पब्लिक के साथ मे भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और मेरे ख्याल से जैसा रूल्स रहता है कि लेडीज़, फिलहाल मैं लेडीज़ कोच में हूँ तो लेडीज़ ट्रेन, मतलब लेडीज़ कैसे भी उतरती है तो उसके लिए एक रूल्स होना चाहिए कि लेडीज़ को ऐसे मतलब लाइन वाइज सीरीज वाइज चलना चाहिए, क्वेज वाइज, कि मतलब ऐसे एक दूसरे को धक्का ना, क्योंकि जो ओल्ड वुमेन्स रहती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ों में, तो मेरे ख्याल से उनको फेस नहीं करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा रेलवे को, जो भी रेल मिनिस्टर है उसको रेल की जो गर्दी बढ़ती है इसी कारण था लॉन्ग जर्निंग, जैसे मुंबई की बात है तो CST से अगर बेलापुर जाता है तो वासी जाता है तो उसको पार्ट कर दिया जाए, जैसे CST से कुल्ला कर दिया जाए एक ट्रेन, कुल्ला से फिर वासी के लिए ट्रेन छोड़ा जाए, जैसा दूसरा हमारा चर्च गेट से बिरार, तो ये भी ट्रेन बहुत गर्दी होती है, पब्लिक को भेड़ बकरी तरह जाना पड़ता है, भेड़ बकरी से बदतर जाना पड़ता है उनकी, जो उसको अगर पार्ट कर दिया जाएगा तो पब्लिक को बहुत सुविधा होगा। और सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी तो बिल्कुल है ही नहीं, कहना अगर गर्दी इतना होगा पब्लिक बाहर झूल के जाना पड़ता है, कई कई तो बिरार रोड में उसका जो विंडो है विंडो को पकड़ जाना पड़ता है, कहना कहीं ऑफिशियली लेट होता तो उनको जाना ही पड़ेगा, टाइम में जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाते हैं तो उनको एब्सेंट हो जाएगा, इसलिए अपना पेट पालने के लिए उनको टाइम देखना पड़ता है, टाइम के लिए अपना जान गंवाना पड़ता है, सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी, पूरे देश में अलग अलग तबके के लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो वहीं किसान वर्ग भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। बजट से तो उम्मीद यही है कि सबका समर्थन मूल्य बढ़ाए, और जो मतलब ये बोलते हैं लागत का दोगुना देंगे, डेढ़ गुना ही करते हैं वही बहुत है, उसे उम्मीद है कम से कम जो है क्विंटल का रेट 1000 रुपये क्विंटल का हमारे आलू का रेट होना चाहिए, जो और गेहूँ है धान है इन सब का रेट जो कम से कम लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। हाँ तो ये भाई ये उम्मीद है कि हमारी जो भी फसलें हमें उसका वाजिब दाम मिल जाए, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, डीजल कितना तेज हो जाओ डाई कितनी तेज हो जब जेब में दाम होगा हम सब खरीद लेंगे। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है, सबसे पहले तो किसानों की जो बिजली है वो आधे रेटों पे होनी चाहिए, और अब की बार मानसून भी लेट है
तो स्वाभाविक है किसानों को बहुत फसल बहुत बर्बाद होने वाली है, तो कुछ बीमा जो पिछली किसानों के जो फसल बीमा है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, और गन्ना किसानों के लिए उनको जो मील पेमेंट देने में जो दिक्कत करती है उनके लिए कुछ राहत होनी चाहिए। तो ये हमने जाना कि क्या कुछ चाहते हैं लोग रेल बजट से, रेल बजट को लेकर सरकार से। हमारे साथ हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सर आपके पास आना चाहूंगी, राकेश जी आप क्या कहेंगे कि अगर सैलरी क्लास की बात कर ली जाए तो सैलरी क्लास को डिप्रिसिएशन की रिबेट क्यों नहीं मिलती है? ये मेरा एक सुझाव है, जैसे अभी शिखा जी ने पूछा कि सैलरी क्लास को डेप्रिसिएशन की रिबेट क्यों नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट ने एक परसेप्शन उस जमाने में बना लिया था कि सैलरी क्लास को हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, उनका केवल काम ऑफिस आना और जाना हुआ करता था और 10 से 5 की वो सेवा करते थे, पर आज की तारीख में सेवा परिस्थितियां सबकी बदल गई हैं। तो आज वो जो भी टैक्स पेड इनकम से कोई भी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी कैपिटल आइटम खरीदती हैं, जैसे कार है, जैसे फ्रिज है, जैसे टीवी है, जैसे लैपटॉप है, जैसे बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में यूज करने के लिए उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, तो मेरा मानना है कि सैलरी क्लास लोगों को भी जो टैक्स पेड इनकम से कोई भी कैपिटल आइटम खरीदें उस पर उन्हें रिबेट मिलनी चाहिए। उससे उनकी एक तो प्रोफेशनल स्किल बढ़ेगी और वो राष्ट्र निर्माण में ज्यादा सहायक होंगे। बिल्कुल नंदिनी जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको कि मिडिल क्लास और युवाओं के लिए और क्या कुछ हो सकता है इस बजट में? युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है उनकी शिक्षा के अनुपात में कम से कम रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी खर्च करके भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको उनकी अनुसार की स्किल लेवल की परिप्रेक्ष्य में अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। और ये अगर कहा जाए कि नई नौकरी मिलना एक एस्पिरेशन नहीं हो सकती है, आप सब एंटरप्रेन्योर बन जाइए, उसकी माहौल तो आज के दिन में नहीं है। इसलिए हमें ये दोनों चीज़ को सोचना पड़ेगा। कल जो वित्तीय सलाहकार और आर्थिक सलाहकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उन्होंने दो चीज़ कह रहे थे, एक कि 8% GDP दर सस्टेन तरीके से करने के लिए देश को एक वर्चुअल साइकिल में जाना है, हाई इन्वेस्टमेंट एंड हाई सेविंग्स रेट। बट हाई सेविंग्स रेट तभी हो सकती है जब आपके आय बढ़ेगी। अगर आय में प्रॉब्लम है तो आपकी हाई सेविंग्स रेट नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को समझ के कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के एक साथ चलने के लिए, और कंजम्पशन बढ़ाने के तरीका एक हो सकता है कि आप टैक्स के दर कम कर दीजिए, लेकिन टैक्स के दर कम करते हुए हमें सोचना पड़ेगा कि ओवरऑल टैक्स नेट आप बढ़ा सकते हो कि नहीं, क्योंकि टैक्स के दर कम करने से ही कंप्लायंस नेसेसरीली बढ़ जाती है, ऐसे बातें नहीं है। बिल्कुल, तो युवा जो हैं उनको उम्मीद है कि रोज़गार इस बार सरकार उनके लिए बजट पे लेकर आ सकती है। लगातार हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ राकेश जाखेटिया जो अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर नंदिनी दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री हैं वो भी, उनसे चर्चा कर रहे हैं, तमाम सुझाव हैं जो वो बता रहे हैं क्या कुछ करना चाहिए सरकार को और इस बार के बजट से लोगों को उम्मीदें हैं और क्या कुछ सरकार लेकर आ सकती है। इन तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर आपके पास आना चाहूँगी बख्शी सर, क्योंकि डिफेंस का जो बजट होता है वो सबसे हैवी होता है, सबसे ज़्यादा फोकस भी होता है, क्योंकि उसी से देश की रक्षा का यहाँ पर सवाल होता है इस वजह से। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि बेसिक जो इंडस्ट्री है वो वीक है? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्वेश्चन ये है कि आपकी जो पूरी की पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द नेशनल इंडस्ट्री,
your defense production is directly proportional to your national capacity. अगर आपकी national capacity ही नहीं है तो आप क्या, आपको tank बनाना है आपके पास, वो आप बाहर से मंगा रहे हो, तो आपकी स्टील इंडस्ट्री क्या कर रही है? फिर आपके एयरक्राफ्ट के इंजन क्यों नहीं बन रहा, कावेरी इंजन क्यों नहीं बन पा रहा, आपके कोई इंजन नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपके एक तो उनका मेटल टेक्नोलॉजी नहीं है, मेटलर्जी नहीं है, और ऊपर से आपकी बेसिक जनरल जो जनरल जो चाहिए होती है नॉलेज वो भी नहीं है। दोनों का सम्मिश्रण ये होता है कि यू आर जस्ट सिटिंग, 25 साल हो गए हैं LCA को, अभी तक हम अपना जहाज LCA के लिए उसका सिर्फ 13% रिजर्व इंडिया बना रहा है, 87% बाहर से आ रहा है। LCA हमारा, हम कहते हैं इंडिजिनियस प्रोडक्शन, वो नहीं है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, हम अपने को धोखे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्राइवेट इंडस्ट्री को पर ध्यान देंगे, प्राइवेट इंडस्ट्री, मैं नहीं कह रहा कि प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस, आप प्राइवेट इंडस्ट्री को ही ठीक करिए, पहले हैवी इंडस्ट्री को ठीक करिए। एवियोनिक्स नहीं बन रहे आपके, ये हम सर्विस इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, हमारे मैन पावर जाके बाहर काम कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं, बट वी जस्ट डोंट मेक द बेसिक इंडस्ट्री विच इज रिक्वायर्ड। आप चलिए कार का इंजन कौन सा बनाते हैं, मेरे को यही बता दीजिए, बिल्कुल आप बाहर क्यों जाना। सो दिस इज वॉट इज द प्रॉब्लम। और सेकेंडली मैं आपको एक और बात बता दूंगा, वी आर मैन पावर इंटेंसिव, आपके पास बहुत अच्छी सर्विस अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग योर यूथ एंड ऑल्सो यू नो टाई अप विद अदर नेशंस, कि हमारे पास मैन पावर है, यू ट्रेंड है, वो हम आपको दे सकते हैं ऑन कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज बेसिस ऑन फिक्स्ड इनकम, ताकि आपका उनको भी नौकरी मिले, आप भी कमाओ, एंड यू कैन ब्रिंग देम एंड विद ग्रेटर नॉलेज, ग्रेटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। नंदिनी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो सरकार लेकर आई है कि स्मार्ट सिटी बनेंगे, तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, तो क्या लग रहा है इस बार के बजट में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ तोहफे मिल सकते हैं? अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जब इनिशिएट किया गया था तब भी मैं कह रही थी कि ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है, एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर देश के तमाम जो और प्रॉब्लम्स है उनकी सुधार जब तक नहीं होंगे आप स्मार्ट सिटी क्या करेंगे? एक स्मार्ट सिटी का पानी की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे? सच बात तो आज ये है, पानी की जिस तरह की किल्लत होने वाली है, एक्सेस टू वाटर विल बिकम द न्यू मेजर ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी आप स्मार्ट सिटी बना देंगे, डिजिटाइज कर देंगे, रास्ते में आप डिजिटल इलेक्ट्रिक कार्स लेके आएंगे, लेकिन आप बेसिक एमिनिटीज का क्या करेंगे, आपको कौन प्रोवाइड करके देंगे? तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच, आज बुलेट ट्रेन की भी बात है, वो तो हम भूल ही गए ऑलमोस्ट कि बुलेट ट्रेन का हालत क्या हो रहा है। आज लैंड एक्विजिशन के कारण बुलेट ट्रेन इज इन टेरिबल डायर स्ट्रेट। बिल्कुल, चलिए तो ये सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्यूशन चाहिए, तभी जाके ये आर्थिक उन्नति हो सकती। बिल्कुल, तो नंदिनी जी जिस तरीके से बता रही हैं, तमाम समस्याएं हैं लोगों की, उन पर काम करने की जरूरत है।